हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर फर्स्ट आवर ऑर्गन सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, इन यस्टरडे क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्गन सिस्टम्स एंड वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ सम ऑर्गन सिस्टम्स, स्केलेटन सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। एंड इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प अस टू टेक ब्रीथ एंड टू टेक आउट द ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में और छोड़ने में हमें हेल्पफुल कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टूडेंट्स लुक हियर, दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट वन बाय वन। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नेजल कैविटी, ट्रैकिया। ट्रैकिया इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप एंड लंग्स। वी ब्रीद इन एयर थ्रू आवर नोस्टिल्स, मीन्स दैट इट्स एज, सबसे पहले हम सांस किसके थ्रू लेते हैं? ब्रीथ, नोस्टिल्स की हेल्प से। इट देन गोज टू द नेजल कैविटी, उसके बाद कहाँ जाता है? वो नेजल कैविटी में एंटर होता है एंड फर्दर मूव्स टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया की हेल्प से एंड देन एंटर्स द लंग्स, लंग्स में जाता है। दिस इज कॉल्ड द इनहेलेशन। इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ द ब्रीथ, यानी कि सांस लेना। द लंग्स डिफ्यूज ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। द लंग्स, दिस इज कॉल्ड द इनहेलेशन। द लंग्स डिफ्यूज ऑक्सीजन, डिफ्यूज मीन्स फैलाना। ओके, लंग्स क्या करता है? इस ऑक्सीजन को फैलाता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इनटू द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। मीन्स जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको किसके थ्रू हमारी बॉडी में पहुँचती है? लंग्स के थ्रू। फ्रॉम द लंग्स एयर फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू द ट्रैकिया एंड इज रिलीज थ्रू द नोस्टिल्स। और जैसे हमने क्या किया, हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी किसके थ्रू बाहर निकलती है? लंग्स के थ्रू होती हुई ट्रैकिया के थ्रू बाहर आती है। ठीक है, एंड देन नोस्टिल्स। दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। दिस प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो डिफाइन द रेस्पिरेशन मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज द रेस्पिरेशन। हेयर इज इनहेलेशन मीन्स टेकिंग आउट ऑफ द ऑक्सीजन, टेकिंग आउट ऑफ ब्रीथ। ओके, एंड एक्सहेलेशन मीन्स टू रिलीव द ऑक्सीजन। ओके, क्लियर, दिस इज अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें हमने क्या प्रोसेस किया है कि सबसे पहले हम क्या करें, वी टेक ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोस्टिल्स, देन गोज टू नेजल कैविटी एंड देन गो इन ट्रैकिया एंड आफ्टर दैट गो इन लंग्स एंड लंग्स ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स इन आवर बॉडी एंड आफ्टर दैट थ्रू लंग्स एयर फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू द ट्रैकिया एंड इन रिलीज थ्रू द नोस्टिल्स। किसके थ्रू बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड? नोस्टिल्स। तो रेस्पिरेशन सिस्टम में हमें ये पता होना चाहिए, वॉट डू मीन बाय द एक्सहेलेशन, इनहेलेशन। ओके, तो इनहेलेशन मीन्स वी टेक द ब्रीथ, मीन्स सांस लेते हैं और हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते क्या हम? कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज नोन एज एक्सहेलेशन। क्लियर, नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हमारे? देखिए, दिस इज अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, यहाँ से देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से फिगर, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स। ओके, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हमारे पास फर्स्ट इज दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ब्लड विच कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस। तो मेन इसकी डेफिनेशन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? इट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ब्लड विच कैरी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इसके जो मेन पार्ट्स वो क्या हैं? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, दीज आर द मेन components of the circulatory system. The heart pump blood to all parts of our body with the help of our blood vessels. Okay, यहाँ से देखिए इसको, the circulatory system consists of heart, blood and blood vessels. The heart pumps blood to all parts of our body with the help of blood vessels. ठीक है,
मीन्स दैट जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, हाउ ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज दैट द हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑल ब्लड वेसल. यानी कि जो मेन पार्ट होता है वो कौन करता है इसका, हार्ट. और हार्ट के थ्रू जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुँचते हैं. दीज आर टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. अब देखो ब्लड वेसल्स के जो टाइप्स होते हैं वो मेन क्या क्या होते हैं आपके पास, आर्टरीज एंड वेन्स. क्या है, आर्टरीज एंड वेन्स. क्लियर. एंड आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड. यानी कि ये क्या करती है, हमारे पास प्योर ब्लड को ले जाती है. दैट इज ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. यानी कि हार्ट के हार्ट से हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाती है. वेयर वेन्स ब्रिंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड. हमने टू ब्लड वेसल स्टडी किया था, आर्टरीज. आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड होती है, इन प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है. वेन्स क्या होती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं. दैट इज द ब्लड कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. फ्रॉम द हार्ट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज सेंड टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीनेटेड. इट इज देन सप्लाई टू द हार्ट विच इज सेंड टू द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का. ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन. दिस इज अवर सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, एंड इन सर्कुलेशन सिस्टम मीन्स दैट इट इज एन ऑर्गन सिस्टम विच हेल्प अस टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड विच कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, दीज आर मेन पार्ट्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. मीन्स दैट जो ब्लड है हमारा वो हार्ट से, हार्ट के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाता है और फिर ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को. ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड वेन्स कैरीज डीऑक्सीनेटेड रिच ब्लड. यानी कि आर्टरीज में तो हमारे पास प्योर ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीनेटेड होता है. फिर वेन्स में क्या होता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स, हार्ट में जाता है और वहाँ से फिर से हमारा प्योर होके और फिर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है. इस तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा चलता रहता है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम of our body. The nervous system helps the body interact with things around it. Means that जो nervous system होता है वो किस में help करता है हमारे पास, जो हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें होती है उससे हमें interact करने में helpful होता है. और it consists of the brain, the spinal cord and a vast network of nerves spread all over the body. These are the main parts of the nervous system. ठीक है, ये क्या क्या है हमारे, इसके spinal cord, brain, spinal cord and nerves. ठीक है, clear. नर्व्स का मतलब यह होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, नस जो होती हैं उसको बोलते हैं हम. क्लियर. एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग थिन बंडल ऑफ नर्व्स कलेक्ट्स. और जो स्पाइनल है वो क्या होता है हमारे पास, बैकबोन जो होता है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं. ठीक है, द स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग थिन बंडल ऑफ नर्व्स कैन कलेक्ट ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, जो ब्रेन होता है हमारे पास वो किससे कनेक्ट होता है हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड से. एंड टुगेदर मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट रिसीव एंड सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स. यानी कि जो बॉडी के सिग्नल्स होते हैं हमारे पास उनको कौन रिसीव करता है, ब्रेन. किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल द ईयर सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन. यानी कि हम जो सुनते हैं तो ईयर सिग्नल सेंड करता है किसको, ब्रेन को. दी सिग्नल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रेन एज साउंड. और फिर ब्रेन उनको रिकॉग्नाइज करता है एज ए साउंड, जिससे हम क्या कर पाते हैं, सुन सकते हैं. क्लियर, दिस इज आवर नर्वस सिस्टम. क्लियर, सो लेट्स वी स्टार्ट सम MCQs बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स. ओके, फर्स्ट वन इज विच इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया था. तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज ए द सिस्टम फाइट्स डिजीज सो द बॉडी स्टेज हेल्दी. नो, द सिस्टम दैट सर्कुलेट ब्लड एंड ऑक्सीजन थ्रो दैट बॉडी कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. ओके, थर्ड वन इज ब्रेक्स डाउन फूड इंटू स्मॉलर पीसेज एंड एब्जॉर्ब दोज न्यूट्रंस इंटू द बॉडी. लास्ट इज प्रोवाइड सेफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर द बॉडी. ठीक है, सो राइट आंसर इज टू बी, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ा था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड,
द सिस्टम दैट सर्कुलेट ब्लड एंड ऑक्सीजन थ्रू बॉडी कंसिस्ट ऑफ द हार्ट ब्लड वेस्टल एंड ब्लड. दिस इज अवर राइट आंसर. क्लियर. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू. आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज आर थ्री टाइप्स ऑफ. हमने स्टडी किया था अभी आर्टरीज और वेन्स के बारे में हमने स्टडी किया है. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो थर्ड कैपिलरीज भी आपको मिलेगी वहाँ पे. ओके एंड ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन इज हार्ट वेसल ब्लड वेसल सेल्स वेन्स. तो किसके पार्ट्स हैं हमारे ब्लड वेसल्स के. राइट आंसर इज टू बी बी ब्लड वेसल्स. ओके इसका राइट आंसर क्या होगा ब्लड वेसल्स बी ऑप्शन. क्लियर. नेक्स्ट इज थर्ड. व्हाट इज द गैस दैट वी इनहेल. मैंने बार बार आपको रेस्पिरेशन सिस्टम में ये लाइन बार बार बोली थी. व्हाट इज द गैस दैट वी इनहेल मीन जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं हम. ऑक्सीजन गैसोलाइन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन. राइट आंसर इज टू बी ऑक्सीजन. ओके राइट आंसर क्या होगा हमारा इसमें ऑक्सीजन. क्लियर. ऑप्शन ए इज टू बी राइट. नेक्स्ट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया तो उसका मेन फंक्शन क्या है वो हम स्टडी करेंगे. ऑप्शन ए टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. टू ब्रिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी. टू ब्रेक फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉडी एंड डिलीवर कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है तो जो ऑप्शन डी है टू रिमूव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए बोल रहे हो. ठीक है मीन्स इट इज़ रॉन्ग. ब्रेक डाउन फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स ये भी रॉन्ग है. टू ब्रिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी नो. ऑप्शन ए टू प्रोवाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और रिमूव क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स दैट ऑप्शन ए इज टू बी द राइट आंसर. क्लियर. ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज टू टेक इन ऑक्सीजन. ये भी हमने मैंने बार बार ये लाइन रिपीट की थी आपको स्टडी कराते टाइम. चैप्टर जो टॉपिक हमने अभी स्टडी किया है उसमें ये लाइन मैंने बार बार रिपीट की है. टू टेक इन ऑक्सीजन है कि टेकिंग ऑफ ब्रीथ. ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए एक्सहेल. बी कफ. थर्ड ही कैप एंड डी इनहेल. तो क्या बोलते हैं राइट आंसर विल बी इनहेल. ओके डी इज टू बी राइट आंसर. नेक्स्ट टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो था हमारा टेक इन ऑक्सीजन. अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए एक्सहेल. बी इनहेल. सी कफ. डी ही कैप. यानी कि राइट आंसर विल बी एक्सहेल. ए ऑप्शन विल बी राइट. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट मोस्टली ऑक्सीजन रिच. मीन्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट मोस्टली ऑक्सीजन रिच. ये भी मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में ये लाइन भी मैंने 2-3 times रिपीट की थी आपको कि ऑक्सीजन रिच जो हमारे पास ब्लड वेसल होती है वो कौन सी होती है. फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज. सो आंसर विल बी आर्टरीज. क्लियर. राइट आंसर इज आर्टरीज. ए ऑप्शन इज टू बी राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर. ये हमने स्टार्टिंग की क्लास में मैंने सबसे पहले ये डेफिनेशन दी थी आपको कि व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज नॉन एज सेल टिश्यू ऑर्गन ग्रुप ऑर्गन सिस्टम. तो राइट आंसर विल बी ऑर्गन सिस्टम. क्लियर. जिसके ऊपर हम अपना पूरा चैप्टर ये स्टडी कर रहे हैं. क्लियर. सो स्टूडेंट्स दीज आर सम MCQs बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके सो योर होमवर्क विल बी टू स्टडीज दीज ऑर्गन सिस्टम्स एंड देर MCQs. ओके एंड ट्राई टू फाइंड द एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर. क्लियर. दिस इज योर होमवर्क एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन योर क्लास. ओके आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने चैप्टर में अंडरलाइन कर लेना कोई भी आपको अगर वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम है कोई लाइन में प्रॉब्लम है. क्लियर. ओके थैंक्स ऑल ऑफ यू.